लेकिन अब इन आंकड़ों के बाद खबरों का आंकड़ा टॉप 9। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 7 अफसर सस्पेंड, इनमें गिरफ्तार होने वाले 3 रेलकर्मी भी शामिल हैं। रेलवे ने कहा ये सतर्क होते तो हादसा नहीं होता। गुजरात पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। गुजरात से बाबू भाई जयसंग भाई देसाई और केसरी देव सिंह झाला उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने अनंत महाराज को मैदान में उतारा। 10 सीटों पर 24 जुलाई को मतदान। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने देशभर में मौन सत्याग्रह किया। कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। बेंगलुरु, पटना और जयपुर में बड़ी संख्या में सैकड़ों सड़कों पर उतरे लोग। बेंगलुरु बैठक में शामिल होगी सोनिया गांधी। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक। बैठक में 24 दलों के शामिल होने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा में आज तीसरे दिन भी हुआ हंगामा। जमीन के बदले नौकरी केस में तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की गई। कुछ विधायकों ने सदन में कुर्सी पटकी तो कुछ ने वेल में जाकर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल सूबे में चुनावी हिंसा की जांच करेगा। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा। दिल्ली में एक और श्रद्धा जैसा हत्याकांड। गीता कॉलोनी में कई टुकड़ों में मिला महिला का शव। फ्लाईओवर के पास 7 टुकड़ों में मिली लाश। भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की पुलिस कस्टडी में हत्या। हथियारों ने पुलिसकर्मियों की आंख में मिर्ची झोंककर मारी गोली। पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था गैंगस्टर। विवाद में फंसी अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 सेंसर बोर्ड ने रिव्यू कमेटी के पास भेजी फिल्म। आदि पुरुष विवाद को देखते हुए फैसला।